थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद खान साहब, थैंक यू सो मच। खुश हो गया है दिले ना उम्मीद आज, लो हो गई है ईद आज। अस्सलामु अलैकुम खवातीनों हजरात, मैं हूं आपका मेजबान मुनीब भट्ट और आप देख रहे हैं ईद दुनिया न्यूज के संग। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहां भी हमारी नशरियात देखी जा रही हैं, वहां पे मेरे और दुनिया न्यूज की तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक। खवातीनों हजरात, ईद जब भी ये लफ्ज हमारे दिमाग में आता है, दिल में एक खुशी की फीलिंग आ जाती है। रमजान के पूरे महीने हम रोजे रखते हैं, सब्र और शुक्र करते हैं और अल्लाह ताला ईद की सूरत में हमें एक इनाम देते हैं। गरीब हो या अमीर, हर बंदा अपनी इस्तेआत के मुताबिक ईद गुजारता है, ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करता है, सारी परेशानियां भूल जाता है। आज है ईद का दूसरा दिन, अभी तक आपके घर पे मेहमानों का आना जाना तो शुरू हो ही गया होगा, तो हमने भी आज अपने इस घर में मतलब अपने सेट पे दावत दी है खास मेहमानों को। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, चलते हैं हमारे पहले मेहमान की तरफ, अकरम उदास साहब और साजन अब्बास साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ये आप मिठाई से सबसे पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तुसी भी खा लो बट साहब जी, मैं ये बाकी जड़ी बचनी हो तुसी ही खाने ये बची भी है। साजन भाई आप बोलो, ईद मुबारक। बट साहब ईद वाले दिन सोरे टुर गए सारे कही जान, भाजी ईद ते कड लेनी कादी काल सी। सानू खुशी इस गल की कि असं बट्टा के शो ते आन डे, नहीं तो बट्टा की मुलाकात ही चाहिए जो जाए। अच्छा माशाल्लाह सारे सोने, नक नू की मौत पई। पहला नक है जो मुंह च झातियां मारन दे, इन्हां ते गाने भी ने। अच्छा कौन से? तक वे की कहंदा तेरा एडा लम्मा नक वे। आज आपने परे परे रमी दी उदार वे, नक तेरा मुंह तो किन्ना बार वे। लाना दो वे मैनू टक वे। आज आप मुझे कुछ भी कह लें, मेरे कपड़ों के बारे में, मेरी नाक के बारे में, मेरी आंख के बारे में, मैंने माइंड नहीं करना। ईद का मौका है जी, फ्री हैंड। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी अदाकारा जिनका मैं जाती तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने इनका तकरीबन हर ड्रामा देखा है और मैं वाकई जो है वो इनके काम को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही विटी हैं। आपकी भरपूर तालियों में नौशीन शाह। थैंक यू नौशीन जी, तुम मीठा कीजिए, ये लीजिए ईद मुबारक। थैंक यू, ये लें। आप डाइट तो नहीं कर रही? आपको लगता है मैं लड्डू देख के मिठाइयां देख के डाइट कर भी रही होंगी तो कोई परवाह कर ले ले, पूरी ले ले, पूरी ले ले, कोई नहीं, प्रोडक्शन की है, ले ले। अच्छा जी, अब हम तारुफ कराने लगे हैं। अच्छा मैं ये तारुफ मैं नहीं कराऊंगा, जिस शख्सियत का मैं तारुफ करा रहा हूँ वो अपनी आवाज़ से अपना तारुफ खुद कराएंगे। पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, वन मैन शो हैं और इनकी तारीफ में अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जब ये गुनगुनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, शिराज उप्पल। संग दिल तन्हाई, संग लाई याद तेरी, संग लाई बार बार वो बहार, फिर से याद आई सुनी सुनी रात दिल कि जिसने थी सजाई, तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे, रोया रे, दिल रोया रे। माशाल्लाह भाई आप इतना प्यारा गाते हैं, तू पहली बार सुन रहे हैं जैसा ये सुनने पहली है ना आज, बैठ बैठ जा। नौशीन जी आपसे आगाज करेंगे, कैसी जा रही है आपकी ईद? आप लोगों के साथ मजे की फन, क्या करती है ईद वाले दिन? मजे मजे के खाने खाते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि सारा आपको पता है महीना रोजों में गुजरता है, एक अलग वाइब होती है, फिर ईद की बिल्कुल ही अलग वाइब होती है, तो मजा आता है। आपके हाथ पे मेहंदी नहीं है, इसकी कोई खास वजह? छोटी ईद तो नहीं लाऊंगा।
ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਝਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 3 ਘੰਟੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੋਂ ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ देसी स्क्रबर यू नो या जी शिराज भाई आप बताएं जी कैसी गुजर रही है आपकी जबरदस्त यार आप लोगों के साथ इतना मजा आ रहा है बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शो तो तुसी करन दे मैं तो चूड़ियां ही दुकान पाड़ी कैसे गुजरते हैं मजा ऐसे ही आता है डेफिनेटली जब यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं गपशप करते हैं तो ईद का जो मजा है दुबला हो जाता है डेफिनेटली साजन भाई आपकी तरफ आते हैं आप बताएं कि आपकी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है कैसी गुजरती है मेरी और... शां कर दी गुजरती है जैसे सबकी ईद होती मेरी भी वैसे ही है तो ईदी शीदी जमा की आपने जमा नहीं वो टाइम रहा भाई कभी जमा करने से पहले जमा करते थे हुन तो अगो बच्चे इन्ने माशाल्लाह हो गए कि आ गंजे हो गए बच्चे आप बताएं नौशीन जी आप जो है वो ईद की शॉपिंग चांद रात पे करना प्रेफर करती हैं या आप चाहती हैं कि पहले कर लूं या बिल्कुल एंड पे चांद रात तो बहुत रश हो जाता है लेकिन अच्छा भी लगता है बट सच बोलूंगी हम लोग तो वह नहीं करते शॉपिंग नहीं करती नहीं आप हमें कपड़े मिल जाते हैं जी शिराज भाई आप बताएं कि आप जो है वो ईद की शॉपिंग खुद करने जाते हैं और चांद रात पे जाते हैं या पहले ही कर लेते हैं आई डू माई शॉपिंग मतलब बहुत पहले पूरे साल के लिए अच्छा पूरे हाँ, साल के लिए सारी ईदें क्या पहने कब किस वक्त पहने हर ओकेजन के लिए पहले होता है बिकॉज आई डोंट लाइक गोइंग आउट सो मच फॉर शॉपिंग ओके चले जी खवातीनो हजरात जुड़े रहिएगा हमारे साथ हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा ईद दुनिया न्यूज के संग
एक अलग ही कैफियत में जो है ये कलाम ले जाता है और बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताएं अकरम भाई कि ये चूड़ियां आपने अपने साथ क्यों लेकर आए? नहीं ये तो वैसे गिफ्ट दे दे भैणा भरावां नूं ईद दे उत्ते। सो यार ये बहन आपकी बैठी है सामने ब्लू लिबास में, साडी बहन है, इनको देना है तोहफा, देंगे इन्हां नूं, लो जी। अरे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, लेकिन आई थिंक इनके साइज की नहीं है, कच्चा आवें दा भी पोच नहीं रखो भैन जी, तुसीं नहीं पाणियां, तुसीं अगो किसे नूं दे देना, इत्थे रहो काबू च रखना, पर उन्हें चुक के लै जी। नौशीन ईद पे क्या आपकी फेवरेट डिश होती है जो आप खाना पसंद करती हैं? मीठा एक तो जी मीठे में ही पूछ रहा हूं, खीर। खीर तो शीर कोरमा आपको ज्यादा पसंद है? मुझे खीर, खीर पसंद। शिराज भाई आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा जो आप शौक से खाते हैं ईद वाले दिन? जोम सोए दे जन हम लोग या हमारे जानने वाले हैं रिश्तेदारों के घर ज्यादातर ईद पे वो सेवैयां बनी होती हैं जो कि थ्रूआउट द ईयर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको खाने को नहीं मिल रही होती, तो ईद की स्पेशलिटी स्पेशल है। अच्छा पहले मैंने देखा था कि ईद के दिन जो है वो सेवैयों का ज्यादा रिवाज होता था, अब सेल्फियों का है तो आपने कोई अपलोड की है सेल्फी ईद की? नहीं जी हम नहीं करते। कोई पिक्चर लगाई है सोशल मीडिया पे ईद की? नहीं। किसी को आपने विश किया हो? विश किया। अच्छा आपको सब किसी ने आपकी तस्वीर के नीचे लिखा हो, मतलब ये कि मुबारक हो बहुत ज्यादा आपको? लिखिया सी जी ईद वाले दिन सानू ना भेजिया कर। शिराज भाई आप लेते हैं पिक्चर्स लगाते हैं सोशल मीडिया पे ईद की? विद द फैमिली और या अकेले की कभी। ईद पे जो पुराने दोस्त होते हैं वो किस तरह उनको आप ईद मुबारक जो है वो कॉल करते हैं या स्पेशली? हाँ वी कॉल देम या अदरवाइज ये होता है कि ये जो दो तीन दिन ईद के होते हैं इसमें विद द फैमिली आप जाके उन लोगों को स्पेशली मिलने की कोशिश करते हैं जिनको आप ज़्यादा ऑफन मिल नहीं रहे हो, या रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ऑफन नहीं मिलते, तो इट इज लाइक अ स्पेशल ओकेजन, इस पे आप पुराने रिश्तेदारों को यारों दोस्तों के तरफ जाते हैं, मिलते हैं या अपनी तरफ बुलाते हैं। अश्विन आप कोई पुराने दोस्त जो आपके हों जिनसे आपकी बात भी ना हो ईद के दिन उनको याद करती हैं? वो तो वैसे भी याद आ ही जाते हैं बट लेकिन वो जो एक स्पेशल मैसेज आता है ईद वाले दिन, आई थिंक ईद वाले दिन और ओकेजनल जब चीज़ें हो रही होती हैं तो आपको बहुत मैसेजेस आते हैं, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो रमज़ान इस तरह के, आई थिंक जब हमारे ओकेजन आते हैं तो सब भी एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं, मजा आता है। आप पुराने दोस्तों को याद रखते हैं, याद करते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं भाई, पुराने दोस्त जड़े ना जी वो तड़े फोन ने फिर दोबारा कर दे, नहीं तो दोस्त पुराने भुलते जाते हैं आस्ता आस्ता भुलते जाते हैं, जिवें आपां रने कहा कि सेवियां बहुत अच्छी लगदियां वो हुण ते पोटे वालियां आ गईयां छोटियां, नहीं तो पहले सेवियां सुटदे तो चमच नाल सेवी खानी जी बड़ी मुश्किल होंगी, ईद वाले दिन शुरू कर दे तो तरू तक मुकदी नहीं थले हल्दी रही। अच्छा कहते हैं कि ईद का जो दूसरा दिन होता है वो ससुराल का इंटरनेशनल डे होता है, हर शख्स जो है वो ईद को दूसरे दिन आपको ससुराल की दावत में जरूर मिलेगा। तो शिराज भाई ससुराल वाले नहीं बुलाते जी घर होंगी है ना सुबह नाश्ते के वक्त हम लोग अपनी दादी घर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर दोपहर का खाना वहाँ खाते हैं, दिन रात को फिर बाकी रिश्तेदार हमारी तरफ आते हैं, इस तरह वी डिवाइड होते हैं। जबरदस्त जी खवातीनो हजरात चल रही हैं ईद की मजे मजे की बातें, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, राशिद खान साहब अगर आप हमें कुछ सुना दें तो ईद का जो मजा है वो दुबाला हो जाए प्लीज। Thank you.
आपको बताऊं, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में वाकई बहुत मेहनत होती है और राशिद खान साहब आपने जितना अच्छा इसको प्ले किया है, एक क्लैप आपके लिए स्पेशल है ना, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। एक बात कहना चाहूंगी, इक्वली गुड। हां, ये वन बैंड की भी बात है यार। बेसिकली जो भी गाना बजाना है ये इनके बगैर कुछ नहीं होता, हम भी इनके बगैर कुछ नहीं है। और इनके लिए अगेन क्लैप, जबरदस्त। सर सबका बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा मजा आया आपका भी सर, आपका थैंक यू। सर तशरीफ रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। खवातीनो हजरात, वेलकम बैक टू आवर शो। बातें हो रही हैं ईद की, मजे मजे की। मुझे जो है वो जाती तौर पे ईद उल फितर भी पसंद है, लेकिन जो ईद उल अज़हा का मजा होता है वो जरा अलग ही होता है। तो पूछते हैं अपने मेहमानों से कि उनको कौन सी ईद जो है वो ज्यादा लुभाती है। जी शराज भाई, बकरा ईद या ये मीठी ईद? बकरा ईद। बकरा ईद, हाँ। वजह? वजह ऑफ कोर्स कुर्बानी। कलेजी? मैं रिलीजियस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। यार तो कलेजी नहीं खाते आप? ऑफ कोर्स खाते हैं यार, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। मतलब मटन पुलाव एंड कलेजी, ज्यादा उसमें जो मजा आता है ऑफ कोर्स कुर्बानी करने का, और फिर गोश्त बनने के बाद लोगों में तकसीम करने का। तकसीम करने का जबरदस्त जो एसेंस है ऑफ कोर्स, एसेंस है का। बिल्कुल जी। नौशीन जी आप बताएं कि बकरा ईद या छोटी? छोटी। अच्छा, ईद उल फितर आप मुझे लगता है कि वो गोश्त नहीं खाती? नहीं, छोटी। छोटी वजह बताएं ना, कोई वजह तो बताएं, कोई रीजन। एक तो रोजों के बाद आती है, जाहिर है आपने पूरा महीना रोजे रखे होते हैं तो एकदम से एक चेंज आता है। अच्छा, फिर चांद रात, चूड़ियां। बेशक मैंने मेहंदी नहीं लगाई भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तो आ गई आपके पास अकरम, मुझे पसंद नहीं है वो एक्टिविटी सारी जो होती है ना, वो बहुत मजा आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पता नहीं आपने कहा भी है कि नहीं, मैंने अपने दिमाग में सोच लिया। क्या, लेकिन क्या, क्या मुझे ये लगता है कि आप बोले क्या कहना? मुझे ये लगता है कि आप बताएं, आप जो बोलेंगे वो कह दूंगा। लड़के जो है ना मेरे घर में, जैसे भाई हैं या जितने भी फ्रेंड्स भी हैं लोगों को, मैं नोटिस करती हूँ कि बड़ी ईद आदमियों को ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, छोटी ईद औरतों को ज्यादा अच्छी लगती है। आई डोंट नो अकरम भाई, साजन भाई, छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी ईद ते बस ये कि ईदी सीधी इकट्ठियां कर देन लग जांदी, वड्डी जड़ी ओ गोश इकट्ठा कर देन लग जांदी। इन्हां दे कोई 30,000 दे छापर ही लगे हन जी वड्डी ईद। हां जी, ते लोकां ने घरे नूं छोटी ईद भी पसंद है भाई, बड़ी ईद भी पसंद है। अच्छा ये बताएं कि बचपन की कोई ऐसी याद ईद की जो आप चाहें कि यार ये जो है वो मैं बहुत मिस करता हूँ आज ईद पे? शराज भाई, ऑफ कोर्स आई मिस माय फादर, इट्स बीन अ व्हाइल, 25 इयर्स। बट वो ईद पे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हर ईद की एक स्पेशलिटी होती थी, बिकॉज माय फादर वाज इन द आर्मी, हम ट्रैवल करते रहते थे पोस्टेड डिफरेंट जगह पे होते थे। अच्छा, आर्मी में हम स्पेशली लाहौर आते थे दादा वगैरह के पास। तो ईद पे ना एक आई स्टिल रिमेंबर बचपन में एक सच अ बिग बलून ही यूज्ड टू गिव मी फिल्ड विद गैस, जिसको हम पकड़ के कभी उड़ा रहे होते थे। वो उतने बड़े आम मिलते नहीं थे रेगुलरली, यू कांट सी। वो अंकल ले आते होंगे? हाँ, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बिकॉज ही यूज्ड टू फ्लाई टू डिफरेंट कंट्रीज, तो कहीं से लेके आते थे, तो वो हर ईद पे मिलता था, सो दैट थिंग आई मिस। अच्छा नौशीन जी आप बताएं, कोई ऐसी याद बचपन की जो आप मिस करती हो ईद के हवाले? जो ईदी हम लोग बचपन में, जो बच्चों को ईदी मिलती थी ना, जो हमें मिलती थी, वो बहुत खूबसूरत यादें हैं। अब कोई नहीं देता आपको ईदी? पता नहीं, मुझे लगता है बचपन वाले जो बच्चों की ईदी जो होती है ना, उसकी खुले दस वाले नहीं ना मिलते होंगे। सॉरी, कह रहे हैं कि 10-10 वाले नोट नहीं मिलते होंगे। नहीं, अब तो अब हमें क्या ईदी, हम तो आपको अभी तक किसी ने ईदी नहीं दी? अम्मी अबू नहीं, तो उसके अलावा किसी ने दी नहीं दी? यार अकरम भाई प्लीज यार, मैं ठेका लिया सारे यार। पहले जोड़ियां भी देती हैं, फिर 10 भी। कुछ छोटा मोटा 5,000 रुपए दे के खत्म करें यार। छोटा मोटा 5,000 केड़ा हुंदा? मैनूं इह तां दस्सो, 5,000 हुंदा ही 5,000 है, छोटा मोटा केड़ा हुंदा? तुसीं अमीर आदमी हो जी। आप बताएं कि आपकी कोई बचपन की ऐसी याद जो आप चाहते हो कि मैं दोबारा उस याद को जीना चाहता हूं? देखो बचपन वापस नहीं आंदा, भावें जो मर्जी कर, वो बचपना जोड़ा चला गया वो चला गया। सब कुछ तुसी पैसे ना खरीद सकते हो, ये नहीं खरीद सकते कि बचपना वापस आ जाए। बचपन के जोड़े थोड़े भी मिलते थे और मंगते ना, वो जोड़े व्डे एक अद्धी चपेड़ मार देंगे वो अजे तक नहीं भुलते। हाँ जी, तुसी खादिया नहीं ना, बटा के मुंडे हो नहीं खादिया, फिर भी अगों आकड़ के होर दो खा लिया नहीं दसिया बाद। जी आप बताएं साजन भाई, बचपन की कोई ऐसी याद,
कोई ऐसी ईद के हवाले से हमसे शेयर करें जो आप चाहते हो कि यार ये दोबारा मैं जो है वो जीना चाहता हूँ। भाई मैं ना ईद वाले दिन स्पेशल, जब रमजान चल रहा होता था ना, तो मैंने रोज़ों में ही ना वो एक गल्ला ले आता था। अच्छा, वो मट्टी का नहीं होता गल्ला? जी जी, गुल्लक। सानू भी पता है, चाचू ने, घर वालों ने, भाई सखावत ने, जो ईदी मुझे देनी ना वो मैंने सिर्फ जमा करनी, वो अपने दोस्तों को भी नहीं देनी, किसी को नहीं देनी, ये शौक था। अच्छा, तो बस बचपन वो गल्ला है या पन छड़िया आई ईद के हवाले से एक छोटा सा हमारे पास है जी, टली राउंड। टली का टली आपके पास एक एक मौजूद है, आप देखें ये उस तरफ, उस तरफ वो वाली, जी वो जी ये है, ये है, जी आपके पास भी देखें एक टली मौजूद होगी। है, बिल्कुल है, बजा के दिखाएं, आप भी बजा के दिखाएं। जी जी जी, बिल्कुल टली राउंड। तो मैं आपसे तो जी मैं आपसे करूंगा बाहर देखने का हूं। अब जी, अब मुनीफ फंस क्या, मैं आपसे करूंगा एक एक करके कुछ सवाल। आप दोनों, आप दो टीम्स हैं, आप और आप, जिसको भी पहले उस सवाल का जवाब आएगा उसने जो है वो टिंग टोंग टली बजा देनी है। ठीक है जी? जी चले जी, शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, तेज सवाल होंगे, आपके पास वक्त बहुत कम है, फौरन आपने बजानी है। कबूतरों में नर कबूतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या वो बजा क्यों नहीं रहा? हाँ, बजा दिया, बजा दिया। क्या कहते हैं? कबूतर। अरे वाह, कितनी समझदारी की बात की है। वाह 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 यार, आपको यही नहीं पता यार, आपने की टली स्लो है, टली स्लो है। चले भाई, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 दिन होते हैं, वो कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। जी फरवरी गलत। जी हर महीने में 28 दिन होते हैं। अगला सवाल, आपके पास एक बोल है उसमें 6 सेब मौजूद हैं, आप उसमें से 4 सेब ले गए, आपके पास कितने सेब बचे? 6 दोबारा 2? नहीं नहीं यार, सवाल दोबारा बोलो भाई। वो तो अब आपके पास एक बोल है उसमें 6 सेब मौजूद है, आप उसमें से 4 सेब ले गए, आपके पास कितने सेब बचे? 4। नहीं दो, तो नहीं यार, 6 के 6 ही बचे, वो डोंगल तो अपना है। नहीं आप ले गए, मतलब ले गए फिर वापस आ गए? नहीं ये तो सवाल ही गलत है, 6 तो पीछे 2 बचे। पागल नहीं है, गिल्ले किथे गए? जो गए तो फिर तो गए विचो। 6 माइनस 2 तो 2 है। दोनों को एक एक पॉइंट, दोनों को एक एक पॉइंट। अच्छा जी, कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं होता? कौन सा ड्राइवर है जिसका नाम से जो पाकिस्तानी होता है? छोटे का नहीं यार, स्क्रू ड्राइवर। यार वो भी तो बेचारे ड्राइवर है यार, दुबारा चला रहे थे। नहीं ना, आप सोचे ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन, इस सवाल के अंदर ही टडर नहीं बने तो ही चलाओ। चलिए फिर, गुड 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 कम बैक, गुड कम बैक। एक मन में कितने केजी होते हैं? क्या एक मन में कितने केजी होते हैं? एक बंदे एक मन में 1000? 10,000 होंगे होंगे। और नहीं यार शिराज भाई, तुम जब 40 मन में कितना सो रहे? गुड मॉर्निंग, थोड़ा एक भी जवाब नहीं आ रहा, की हो गया? एक मन से कितने किलोग्राम होते यार? मेनू की बात झुक तो से होंगे तो कुछ पता होगा ना यार, आपको नहीं पता? 40 हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, सही कह रही है वो लड़की आपको। और एक मन से 40 ग्राम कितने होंगे? केजी, केजी किलोग्राम, केजी वो तो 40 होंगे ना जी। हां आप क्यों? अच्छा जी, अच्छा जी, आपको नहीं पता यार? 40 होंगे ये भाई। अच्छा, एक आदमी, अब अच्छा भाई अब आराम से सुना रहा हूं, आराम से सुने और फिर सोच समझ के जवाब दें। एक आदमी एक दिन में 2 मुर्गियां, 4 अंडे, 8 रोटियां खाता है, ठीक है? दोबारा सुन ले, एक आदमी एक दिन में 2 मुर्गियां, 4 अंडे और 8 रोटियां खाता है, 30 दिनों में कितनी मुर्गियां खाएगा? एक दिन में 2 मुर्गियां, 2 मुर्गियां 60 मुर्गियां खाएगा? 60 महीना केड़ा महीना केड़ा 28 वाला 29 वाला 31 वाला 2 मुर्गियां एक दिन में खाता है? सही सही सही, 2 मुर्गियां एक दिन में। मेरे सवाल का जवाब दो जी, सान तो कही जा रहे हो, जवाब नहीं आ रहा है जी। टल्ली ले लो, चाबी नु अंग्रेजी च की कहंदे? की की मैं तेनू पूछण दिया, तू मैनू पूछी जाना। ओ भाई ओनू कहंदे नहीं, की कह ओनू कहंदे नहीं,
चाबी को की कहते हैं सही जवाब दिया आपको। अच्छा जी आखिरी सवाल है, ठीक है, आपकी फुप्पी की माँ के बेटे के अब्बू की बहन के भाई आपके क्या लगे? इधर नेड़े दा रिश्ता सानू नहीं समझ आया, रुपया गेम नहीं आता पहले से। बहुत आसान है, आपकी फुप्पो की माँ दादी के बेटे अब्बू के अब्बू दादा की बहन फुप्पो के भाई आपके क्या लगे? बाप। अरे जबरदस्त यार, ये क्या, ये तो सही पहुंचे, क्या बिल्कुल सही पहुंचे, जबरदस्त परफेक्ट। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हो गया हमारा पूरा ये टल्ली राउंड। अच्छा सुखी जीते आपको जो है वो आपके घर जब आप पहुंचेंगे, हमारा वो गाड़ी आपकी नीचे खड़ी है, और वो बस चाबी तो इंग्लिश की कहने जी। तो खवातीनो हजरात, ये था आज का हमारा शो ईद दुनिया के संग। बहुत शुक्रिया आपने हमें देखा और हमारी इस नशियात को एंजॉय किया, और अब हम चलेंगे इख्तिताम की जानिब। प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे शिराज भाई की सुरीली आवाज से। शिराज भाई आखिरी एक आपसे गुजारिश है, अगर आप यहाँ पे आके कुछ गुनगुना दें जी शोर, तो ईद हमारी जो है वो और मजेदार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शिराज भाई के लिए। आइए अकरम भाई प्लीज, फाजिल भाई, तोशीन जी प्लीज, आप भी आइए। आइए आइए और शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। आजरा हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनके तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुपेरा, मन बहके तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जाने का आयनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको, तन तेरे के मन बहके तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जाने का आयनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। आना बातें